In this question, we are given that A and B are two unit vectors and theta is the angle between them. So magnitude of A, magnitude of B, ये one है और इनके बीच में जो angle है that angle is theta. हमको दो part prove करने हैं. First is sine theta by 2 is half mod of A minus B and cos theta by 2 is half mod of A plus B. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर. इसको हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इज, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस मैग्नीट ऑफ ए मैग्नीट ऑफ बी और इनके बीच में एंगल थीटा है दैट इज कॉस थीटा. सो मैग्नीट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा. इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं दैट इज वन माइनस कॉस थीटा और इसको हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. That means sine theta by 2 will be, you know, pehle sine square theta by 2 likhte hain. That is 1 by 4 mod of a minus b whole square. So sine theta by 2 is 1 by 2 mod of a minus b. ठीक है, ये तो first part proof हो गया. Second part में हमको cos theta by 2 equal to half mod of a plus b चाहिए. तो second part में यहां पे हमने मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर कंसीडर किया था. वी विल कंसीडर मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. अब ये यूनिट वेक्टर है तो दिस इज वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा. अगेन इसमें से हम टू कॉमन ले लेंगे वी विल गेट वन प्लस कॉस थीटा. और वन प्लस कॉस थीटा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हो गया ये टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. तो वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज वन बाई फोर मैग्नेट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. देयरफॉर कॉस थीटा बाई टू is 1 by 2 magnitude of a plus b. That is what we have to prove.